अस्सलाम वालेकुम। आज है फ्राइडे, सैटरडे को शॉपिंग नहीं की क्योंकि पहले ही सारा चीज़ ख़त्म हो गया था, इसलिए मुझे लेकर आना पड़ा। फ्राइडे को ही शॉपिंग कर ली। तो ये मैं लेकर आई हूँ चिकन, आज बनाऊँगी चिकन बिरयानी। और लेके आई, काफ़ी टाइम हो गया लेके आया हुआ, मतलब आधा घंटा हो गया, काफ़ी नहीं। तो ये मैं लेके आई 1 वीक का, अभी ये तो आज ही बना लूँगी। तो अभी मैं, और ये है कीमा, तो इसका मैं बनाऊंगी कीमा बनाऊंगी या फिर देखती हूँ। अभी तो हैंड वॉश अभी है, फिर भी मैं ले ली क्योंकि मैं किचन में भी रखती हूँ ना, तो किचन में यूज़ करने के लिए, बाथरूम में यूज़ करने के लिए भी है, क्योंकि 3 का बॉक्स लेकर आई थी। और फिर ये मैं लेकर आई हूँ क्योंकि ये भी ख़त्म हो गया था, कपड़ा वाइट कपड़े में डालने के लिए। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत सारा खीरा, क्योंकि अभी खीरा बहुत सस्ता चल रहा है और बहुत अच्छी क्वालिटी भी है खीरा का, बस प्याज ही अभी अच्छा नहीं आ रहा है। तो ये है प्याज, ये बिरयानी मसाला लेकर आई हूँ, बस ऐसी ले ली, तो खास यूज़ करना नहीं है। बैंगन लेकर आई हूँ क्योंकि अभी ठंडी में बैंगन अच्छा लगता है खाने में। ये है नींबू और ये है धनिया, और मैं एक कैप्सिकम लेकर आई, इसकी ज़रूरत ज़्यादा है नहीं। फिर सोच रही हूँ कि इस बार चिकन चिल्ली बनाऊँगी, और टमाटर फ़िलहाल तो अभी टमाटर अभी अच्छा आ रहा, तो टमाटर भी ये देखिए 6 दरम का, महंगी है पर ये अच्छा है, ये महंगी। आज मैं बिरयानी चावल में ना 5 kg का पैकेट लाती हूँ, तो ख़त्म हो गया, तो मैं गई लाने के लिए। तो बिरयानी अभी ना मुझे जो क्वालिटी का जो मैं ख़रीदती हूँ वो नहीं था, इसलिए मैं ना खुला हुआ रेस लेके आई, क्योंकि मुझे आज बनाना है बिरयानी बनाऊँगी या फिर पुलाव बनाऊँगी कुछ भी। ये प्याज लेकर आए हैं, जो घटिया सा प्याज अभी मिल रहा है, आलू, और ये कॉलीफ्लावर लेकर आई हूँ, अच्छी वाली फ्रेश मिल गई। और ये है ब्लैक चिक पी चना, कभी कभी नाश्ता में बनाते हैं। ये निज़ार के लिए बिस्किट, सुबह में खाता है, उसे फेवरेट पसंद है। और केचप और भिंडी लेके आई हूँ, इस बार मैं भिंडी का सब्जी का रेसिपी शेयर करूँगा, मैं बनाऊँगी इसकी ग्रेवी। ये भी चीक पी, देखो कितना महंगा देता है ये, मुझे पता भी नहीं कितना महंगा देता है ये, बस ली और वेट कर आइए रख ली। शुगर भी ख़त्म हो गया था, शुगर लेकर आई हूँ। और पास्ता, कभी कभी बच्चों को खाने का मन करता है पास्ता या स्कूल में लंच। और ये मैं लेके आई हूँ राजमा, किडनी बीन्स जिसे कहते हैं, ये भी कभी कभी बना लेती हूँ नाश्ता में सुबह। ये सुबह का नाश्ता का है समझो, ये चना ठीक, ये है किडनी बीन्स, ये सब सुबह बनाती हूँ। लंच में तो वेजिटेबल, चाहे मटन चिकन बीफ कुछ भी बन जाता है, तो ये चना वगैरह। तो ये थी आज की शॉपिंग, अभी बस ये, अभी ये थोड़ा सा शॉपिंग हुआ है। मैं शाम में ऑयल ख़त्म हो गया है, चावल भी ख़त्म हो गया है, 18 kg चावल लाना है, बिरयानी का चावल लाना है। तो पिछले वीक मैं आटा लेकर आई थी, मैदा लेकर आई थी, इस वीक ख़त्म हो गया, तो वो लेकर आऊँगी। अभी शाम में भी जाऊँगी शॉपिंग करने के लिए, ये पास वाले सुपर मार्केट से शॉपिंग करके लेकर आई हूँ, शाम में जाऊँगी हाइपर मार्केट। तो फिर हाइपर मार्केट का वीडियो अपलोड, फिर हाइपर मार्केट का वीडियो देखते हैं, दिखाते हैं। ओके, मैं बना रही हूँ आज बिरयानी। बिरयानी के लिए चावल को मैं पहले, मतलब पानी में उसको भिगो कर रख देती आधा घंटे के लिए। पिछले को मैं बीफ बिरयानी बनाई थी, इस बार मैं चिकन बना रही हूँ। और सैंडविच तो मैं लेकर आई थी ना, उसको मैं साथ में वॉइस ओवर की थी, तो इसलिए उसकी आवाज़ थोड़ा चेंज हो जाएगी, तो इसकी आवाज़ इसको वॉइस ओवर कर लो, वो मैं साथ में वीडियो के साथ में ही बोली थी, तो वो उसकी आवाज़ थोड़ा डिफरेंट हो जाती है। तो आज निसार निशाज को तो बस फ्राइडे के दिन कुछ होना हो, उस लोगों चिकन और बिरयानी और ये वो होना ही है, ये बोलता है मुझे अच्छा नहीं लगता मम्मी, प्लीज फ्राइडे के दिन मुझे चिकन ही दिया करें, क्या पता नहीं क्या स्पेशल है उसके लिए। खैर हम लोग के लिए तो फ्राइडे स्पेशल होता है, बट खाने के लिए मैं बोले कि पता नहीं उसको चिकन में क्या स्पेशल है। तो आज बिरयानी बना, तो बिरयानी चिकन बिरयानी हो कोई भी बिरयानी, मैं पिछले वीडियो में बना रही कि हर लोग हर तरह का बनाता है, मैं भी अपनी स्टाइल में बनाती हूँ, ताकि मैं कोई वीडियो वगैरह देख के बनाती हूँ मुझे खुद। तो इस बार मैं तो चिकन बिरयानी मसाला लेकर आई हूँ, तो थोड़ा ऐड करूंगी, ज्यादा नहीं,
मैं खुद अपना मसाला भी ऐड करूंगी जिस जो मेरे घर में रखा है, क्योंकि मतलब बाहर का मसाला ज्यादा यूज करना भी सही नहीं होता है, तो बस थोड़ा बहुत चलता है इतना। तो नमक भी मैं स्पून से नहीं देती, स्पून से मैं तभी नमक देती हूँ जब मुझे अपने नूरेस किचन पे वीडियो अपलोड करना है, तो उसमें मेजर करके दिखाना पड़ता है कि हाँ कितना स्पून नमक दे रहे हैं। तो नमक तो ज्यादातर लोग स्वाद अपने टेस्ट के हिसाब से डालते हैं, इसलिए मैं तो डब्बा ही यूज करती हूँ। यहाँ जो डब्बा मिलता है, जो यू मतलब जो मैं दुबई में यूज करती हूँ, वो मतलब कि अच्छा होता है, बस ढक्कन खोले और डाल दे उसमें। एक बारीक खोल का होता है, एक थोड़ा सा बड़ा होल का होता है, डब्बा में बॉक्स में बना रहता है, तो इजी होता है सॉल्ट यूज करने में। तो बस चिकन को इसी तरह से प्याज को थोड़ा ब्राउन करके मैं डाल दी उसमें, थोड़ा मतलब जो भी स्पाइसेस है डाल दे, और दही, नींबू। तो आज मैं बस इसी तरह से इसको बिरयानी को बना रही हूँ। तो फ्राइडे के दिन ऐसे भी स्पेस मतलब बहुत ही काम होते हैं, क्योंकि हम लोग ज्यादातर मैं फ्राइडे के दिन घर की ज्यादा ओवर ओवर जो होता है ना, एक नॉर्मल साफ सफाई तो रोज होती है, फ्राइडे के दिन ओवर साफ सफाई हो जाती है, चारों तरफ सफाई करना, पोछा लगाना। ये मेरे गांव में ही समझे मतलब सारे लोग इस चीज को फॉलो करते हैं, जैसे फ्राइडे के दिन अगर किसी के घर धुलाई मतलब कि घर उसका मतलब पूरा साफ नहीं हुआ या कोई नहाया नहीं, तो हर लोग एक दूसरे से पूछते क्या बात है आज कोई तुम लोग शावर नहीं किया, नहाए नहीं, घर का सफाई नहीं हुआ, कोई बात है मतलब। तो इस तरह से क्योंकि गांव में लोग तो सब एक दूसरे से एक दूसरे के घर के बारे में मिलजुल कर रहते हैं, ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के बारे जानते ही नहीं। ये हमारा गाँव का कल्चर है कि अगर हर दिन आप खाए पिए, घर की सफाई हो ना हो, नहाए, कोई मतलब नहीं है। पर हाँ फ्राइडे के दिन नहीं हुआ, अगर आपकी नजर पड़ गई तो हर लोगों की क्वेश्चन, हर लोग करेंगे क्या बात है आप नहाए नहीं आज फ्राइडे के दिन, तो आज घर की सफाई नहीं है। तो मैं तो गांव से हूँ, तो मैं गांव में ज्यादातर लोग घर में पोछा कम लगाते, घर की धुलाइयाँ ज्यादा होती है, बस एक एक बाल्टी में पानी भर लेते हैं, पूरा घर धुला रहा है, इधर उधर पानी चारों तरफ जो भी होता है। कभी मैं जब इंडिया जाऊंगी तो उसी तरह घर का वीडियो अपलोड करूंगी, मतलब गांव वाला किस तरह का कल्चर है। तो ऐसा नहीं है कि वहां मतलब कि पोछा लगाने का था, मॉपिंग करने का वाला होता है तो लेकर पोछा लगाया जा रहा है, सबको इजी वे होता है, मोटर लगी है, पहले नहीं भी मोटर थी तो बाल्टी में पानी भर के लोग वॉश करते थे मतलब घर को, क्योंकि वहां पानी निकलने का बहुत ज्यादा जगह होता है, आराम से कहीं भी आप धो ले, घर की सफाई कर ले, बहुत इजी होता है। फिलहाल धीरे धीरे अब डेवलप हो रहा है, तो थोड़ा इजी के साथ हर तरफ से भी नुकसान भी होने लगा, रोड बन गया, पहले रोड नहीं बने हुए थे, तब रोड बन गया तो बड़ा मुश्किल हो गया है। खैर छोड़े, मैं अपने गांव की स्टोरी सुना रही, तो आज जो बिरयानी बना रही हूँ तो मैं उसमें ना पुदीना और हरी मिर्च और धनिया पत्ता तो मैं बहुत सारा कट करके डाली, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है इसका टेस्ट। तो कुछ लोग भी डालते हैं, कुछ लोग नहीं, खास करके हैदराबादी बिरयानी में ये खास करके ज्यादा है ये यूज होता है। खैर मैं हैदराबादी स्टाइल में नहीं बना रही, पर मुझे इसका मैं बहुत मन था कि मैं इस तरह से डालूं। वरना चावल में भी अगर आप पुदीना का मतलब लिप्स मतलब मिंट लिप्स, कोरिएंडर लिप्स ऐड करते हैं तो वो भी अच्छा लगता है, तो किसी किसी को नहीं पसंद आता कि खाते खाते हुए पत्ता मिल रहा है मुंह में, तो बच्चे लोग को ऑब्वियसली नहीं खुश चाहिए, बस चावल चिकन चाहिए, पर बिरयानी में तो होता ही है ये सब। बस वही है कि अब इसको असेंबल करूंगी, मतलब सबको एक साथ करूंगी। तो मैं तो पिछले हर वीडियो में कहती हूँ मैं पहले पानी और ऑयल डालती हूँ और चावल, उसके बाद पटेटो चिकन वगैरह, और सबको खुद की अपनी अपनी स्टाइल, जिसको जो पसंद है वैसे फॉलो क्या करें, है कि नहीं। जरूरी नहीं कि हम किसी को देख करके सेम वैसे कॉपी करें, अपना भी एक होता है ना कि खुद का भी एक माइंड होता है कि हम क्या कर रहे हैं। किसी को बोलते ना, कोई किसी को बहुत बिरयानी पसंद है, किसी को बिरयानी बिल्कुल नहीं पसंद है, किसी को राइस पसंद है मतलब चावल दाल सिंपल सा, किसी को नहीं पसंद है, उस तरह से ये सब में भी होता है। ये सब ऐसा नहीं है कि मतलब कि साइंस की तरफ से प्रूफ है, ये मेथड है, फिजिक्स क्या बोलते हैं, फिजिक्स की तरफ से ये लॉ है कि नहीं इसी को फॉलो करते, ऐसा कुछ है नहीं। खाना तो अपना स्टाइल में, दुनिया में कितना सिंपल ही ले ले, चाहे फिश हो चाहे कोई भी वेजिटेबल हो, एक भिंडी की सब्जी मैं किस तरह से बनाती हूँ, अदर कंट्री में उसको किस तरह से बना, खाते सब कोई लोग है। अभी मेरे इंडिया में ही कितने कल्चर है, कितना कास्ट है, और एक सब्जी को बैंगन को ले ले चाहे भिंडी ले ले कोई भी ले ले, उसी को सबको अलग अलग खाते रहे सबको, और सबको पसंद है, सबको पसंद है कि हाँ मैं जिस तरह से बना रहा हूँ मुझे मेरा फेवरेट है। तो वही बात है ना कि ऐसा नहीं कह सकते कि इस तरीका से नहीं बनाएंगे तो खराब बनेगा, तो वही मैं बताना यही चाह रही थी।
कि खाने की चीज ऐसी होती है ना कि आप किस चीज में, मतलब आपको कैसा पसंद है, कैसा खाना पसंद है, किस चीज का टेस्ट में, या किस तरह से आप असेंबल कर रहे तो पसंद, कोई मसाला पहले लगाता है, बीफ या चिकन हो, मटन हो, कुछ भी रखता है, फिर चावल, फिर आलू, तो वही बात है, आप जिस चीज में आपको कंफर्टेबल है बस उसी तरह से करें। तो मैं हमेशा यही सोचती हूँ, तो मैं आलू ही बनाती हूँ, तो मैं आलू को कई तरह से मैं बनाती हूँ। फिर और कोई अदर कास्ट, अदर कल्चर, अदर गांव, अदर सिटी, तो वही चीज को दूसरे तरीके से बना रहे हैं, उनको वो चीज पसंद है, मुझे ये चीज पसंद है, तो ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ आप किसी तरह से बनाए तो ये चीज अच्छा है, बस जो अच्छा लगे वो करें। तो शायद मैं जो कहना चाह रही थी, पता नहीं आप लोग समझ पा रहे कि नहीं, मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, पर शायद आप लोग बहुत इंटेलिजेंट समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। बस सारे को असेंबल करके स्टीम करने के लिए रख दी, और फिर उसके बाद खान नमाज के टाइम हो गए थे जोहर का, उन पे सब कोई लोग नमाज पढ़ कर आए जुमा के दिन, और हम लोगों का एक्स्ट्रा नमाज तो होता है, जो भी वीडियो है जो हमारे कास्ट के उन्हें पता होगा, तो बस दो रिकात होता है जुमा का नमाज, तो वो बस नमाज पढ़ करके बच्चे हस्बैंड सारे लोग आ गए थे, तो बस उन लोगों के लिए बैग लेके चलो, हल्का ज्यादा स्टीम नहीं लगा था, फिर भी हस्बैंड ड्यूटी से आए थे तो उन्हें भी भूख लगी थी, बोले छोड़ो ज्यादा स्टीम मत करो, बस इतना हो गया ना कि खाना गर्म हो गया, लेकर आओ, बस मैं खाना सबके लिए भी निकाली। तभी तो देवर आए, तो पहले हम लोगों का 4 प्लेट लगता था, अभी 5 लगता है, तो अभी तो उनका 2 मंथ का वीजा है, अभी अभी 1 मंथ हुआ है, अभी 1 मंथ और है, तो बस अभी आप लोग ये ना सोचे कि अरे 4 प्लेट था अभी 5 कैसे हो गए, जो मेरे रेगुलर वीडियो देखते जो नए हैं उन्हें मैं बता देती हूँ कि पहले हम लोग 4 लोग थे, दो बच्चे और मैं, अभी 5 हो गए, तो बस बिरयानी के साथ सिर्फ सैलेड, क्योंकि ठंडी का टाइम आ गई तो दही, रायता और कोल्ड ड्रिंक ये सब नहीं चलेगा। तो फिर खाना वाना खाने का रेस्ट करने के बाद शाम में प्लान हुआ, 1 घंटा के बाद 5 बज रहे थे शायद, 5 बज ही गए थे, तो चलो बाहर थोड़ा घूम कर आते हैं, क्योंकि मौसम है बहुत अच्छा, तो हम लोग के पास में ही ममजर बीच है, इससे पहले भी वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ ममजर बीच का, तो बस इधर ही बच्चे आ गए थे कि चले थोड़ा स्केटिंग चला लेंगे, काफी दिन हो गया निशाज को स्केटिंग चलाए हुए, तो मैं बोले ठीक है, तो बस इधर आ गए थे, तो बस मैं बोले कि क्या फायदा इधर आकर, अंधेरा ही होने लगा, बस ठंडी में ज्यादा अंधेरा भी हो जाता, बाहर अच्छा नहीं लगता, गर्मी में तो अच्छा लगता पर ठंडी में नहीं, बस सूरज ढलने से पहले तक ठीक लगता, सूरज ढलने के बाद तो ठीक लगता है। खैर तो इधर आकर ज्यादा टाइम तक नहीं रुकी थी, फिर भी 1-2 घंटे 1.5 घंटे तक रुकी, ज्यादा नहीं, तो ये चीज है कि मैं जहाँ पे रहती हूँ ना, मेरे आसपास ना हर चीज नजदीक में है, मैं काफी वीडियो बोल चुकी हूँ, मेरी वीडियो से इतना मतलब मेरे रूम से नजदीक में नजदीक, ये भी देखिए बाइक कार हम लोग ज्यादा नहीं 15 मिनट या 10 मिनट में पहुंच जाते हैं, और अभी नई बीच बनी है दुबई आइलैंड, वो पता है तो सिग्नल ही नहीं, एकदम पूरा हाईवे से जाते हैं, तो 5 मिनट में पहुंच जाते हैं, 5 से ज्यादा ज्यादा 7 मिनट 10 मिनट, उससे ज्यादा नहीं लगता, क्योंकि रूम से डायरेक्ट निकलते हैं डायरेक्ट हाईवे पे, हाईवे से ही डायरेक्ट मतलब बीच, तो ये तो थोड़ा दूर भी पड़ जाता है, ममजर बीच तो जाने में 15 से 20 मिनट भी लग जाएगा, क्योंकि इधर सिग्नल मिलती है, क्योंकि इधर से लोग शारजा जाने वाले थे, सामने जो बिल्डिंग दिख रही नहीं ये पूरा शारजा है, और बीच में समुंदर है ये दुबई है, तो बहुत लोग शारजा जाने वाले होते हैं ना, तो ये रास्ता से मतलब ट्रैफिक मिलती है इसलिए लेट हो जाते हैं, और अगर ट्रैफिक नहीं मिले ना तो आराम से यहाँ भी हम लोग 10-15 मिनट में पहुंच जाएंगे, तो मेरे रूम में ऐसे जगह पे रहते हैं ना, दुबई का पुराना एरिया है देरा अबर दुबई, यहीं से दुबई स्टार्ट हुई है, तो यहाँ बहुत लोग, बहुत क्राउड एरिया, पूरा मार्केट एरिया, हर चीज नजदीक में मिल जाए, बुर्ज खलीफा भी मेरे रूम से मतलब कि वॉकिंग डिस्टेंस तो आपको लग जाएगा 1 घंटा, बट बाई कार आपको 15 मिनट में पहुंच जाते हैं, ये देखिए स्केटिंग इन लोग ना यहाँ समुन्दर के किनारे बीच पे आया था चलाने के लिए, बोल रहा कि इधर ही मैं खेलूंगा दोनों मिलकर के, उधर थोड़ा बहुत चलाया था फिर इधर लेकर आ गया, और ये जो बनी है ना बालू के पास में, मतलब मैं तो बालू ही बोलती, मेरे लिए वही है मिट्टी समझे, तो बीच पे आने के लिए मतलब बनाया गया है कि जो स्केटिंग से आते हैं, जो व्हील चेयर पे आते हैं बच्चे, उन लोगों के लिए बीच पे आ सके, ऐसा ना कि कोई स्ट्रॉलर ले आओ इधर ना नहीं आ सके, तो उसके लिए बना, और ये है देखिए इधर बना हुआ एक्सरसाइज करने के लिए, निशाचर के लिए एक्सरसाइज नहीं है, ये प्ले ग्राउंड एरिया है, बस ये दोनों ना खेलने में ही लग जाते हैं, हालांकि पता है ये सारे जगह ये मेंशन किया हुआ है इतना हाइट और 14+ के बच्चे, मतलब बच्चे क्या 14+ के ही कूद कर सकते हैं, इंतजार तो अपने आप को 18+ समझ चुका है, वो तो जब भी आएगा तो इधर तो उसको आना ही आना, और सारा मतलब जितना भी एक्सरसाइज करने का ना सबको यूज करेगा, बस दोनों भाई दोनों में
हो रहा, ये तो हम लोग बस खेल रहे हैं, हम लोग के लिए मतलब समझो कि प्लेट होल्स है इन लोगों के। बस इन लोगों का हो चुका था, अब देखिए इतना रात हो गए, अब हम लोग घर आ चुके हैं। ये नेक्स्ट डे सैटरडे के दिन है, तो दुबई में सैटरडे को नेशनल डे था, 2 दिसंबर, और यहाँ पूरा यूएई में छुट्टी थी, हॉलीडे। ये देखे नेशनल डे 52 ईयर्स हो चुका है, नेशनल डे की छुट्टी थी, तो बहुत ज्यादा जगह फायरवर्क होने वाला था। तो इधर भी एक सेफ, मतलब सेफ नाम है जगह का, तो वहां भी होने वाला था, तो हम लोग इधर आ गए थे। फिर इधर आने के बाद नहीं हुआ, काफी लोग भीड़ लगाकर देखने वाले थे, पर नहीं हुआ, तो फिर मैं वीडियो भी नहीं बनाई। काफी 1-1.5 घंटा उधर वेट किए, यूनियन की तरफ सेफ एरिया जो है उधर जाकर, मतलब यूनियन के बैक साइड से यूज। खैर वीडियो तो आप लोग बहुत जगह से देख रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि सब दुबई से देख रहे हैं, तो मैं एग्जैक्ट जगह को क्या मेंशन करें, बस गई तो नहीं मिला। तो बस आते वक्त उधर से एक मॉल मिलता है रास्ते से, क्योंकि वॉकिंग करके आ रहे थे। तो ये अभी स्टार्टिंग किया, क्योंकि अब आने वाला 25 दिसंबर, क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, उसके लिए पूरा मॉल में ये डेकोरेशन किया हुआ था, तो मैं इसका वीडियो ले ली। और ये देखिए पूरा नेशनल डे के लिए इस तरह से पूरा बना हुआ है, इतना प्यारा। तो चारों तरफ हर तरफ पूरा, मतलब सैटरडे के दिन यूएई में नेशनल डे का गूंज था। खैर कि मैं, कोई हस्बैंड का ड्यूटी था, उनकी छुट्टी थी, पर छुट्टी में भी ओवर टाइम है, क्योंकि उनका इस तरह का काम है, क्योंकि छुट्टी बहुत मुश्किल से मिलती है। तो सैटरडे के दिन हम दिन में नहीं गए कहीं, जा मैं गई थी शाम में, शाम में फिर भी शाम क्या रात में ही गए थे, वो कितना 7 बजे, 7 बजे गए थे, गर्मी के टाइम में 7 बजे शाम में। फिर उसके बाद मैं आ गए थे सिनेस्टो हाइपर मार्केट, तो मैं बताई थी ना कि कुछ सामान भाग के, जैसे कि 5 kg का मैं राइस ली, 5 kg का ऑयल ली, बिरयानी वगैरह, और मतलब फ्राई करने के लिए। और उसके बाद हम लोग बहुत थक गए थे, भूख भी लग गई थी, तो एक पैकेट हम लोग फ्राइड चिकन लिया। और उसके बाद खाने पीने के बाद फिर हम लोग घर आए, और राइस भी ली थी, 18 kg का राइस मैंने दूसरे मार्केट से मंगवाया, तो उसी मार्केट में ना इधर ना नेशनल डे के खुशी में इधर देखे, ये रेड जो है ना टमाटो चॉप करके लगा है, ब्लूबेरी है, व्हाइट है, जो व्हाइट जो था ना वो क्या था, कोकोनट था, और जो ग्रीन थी ना वो कोरिएंडर लीव्स थी, उसको भी चॉप किया हुआ था। तो खाने पीने की चीज से बना कर, तो मैं ना एक ना सुपर मार्केट से लेती हूँ ना, तो वो लार्ज लिख के ना स्मॉल देता है, तो मैं बोली चलो नेस्टो से ले लेती हूँ, नेस्टो हाइपर मार्केट से। यहाँ भी वही काम है, लार्ज लिखता है पर स्मॉल एक देता है, और जो जब और जो ओरिजिनल लार्ज है ना उसकी प्राइस ज्यादा है, वो 32 धरम है, और ये 22 धरम, 10 धरम का पड़ता है। तो मैं प्राइड ऑफ पंजाब लेके आई हूँ, प्राइड ऑफ इंडिया, प्राइड ऑफ पाकिस्तान, प्राइस ज्यादा है, तो मैं ये दोनों यूज कर चुकी थी। मैं बोली चलो इसको यूज करके देखती हूँ, ये लेकर अभी तक मैं बनाई नहीं, जब बनाऊंगी तो फिर देखती हूँ क्या रिजल्ट आता है इसका। तो मैं फर्स्ट टाइम देखी थी पंजाब में, तो जब भी देखी थी इंडिया पाकिस्तान देखी थी, और ट्रिपल एक्स साइज भी है इसकी। बस ये है कि राइस नई वाली नहीं है, थोड़ा सही है, एक कच्ची टाइप का राइस होता है ना, कच्चा मतलब पका हुआ नहीं, बॉइल किया हुआ नहीं, तो वो नहीं है, वो ये सही है। तो राइस मुझे पहचानने के अच्छे एक्सपीरियंस है, मैं शायद ही कभी ऐसा हो कि मैं राइस खराब लेके आई। एग और राइस और 18 kg का, ये मैंने हमेशा मतलब कि लकी गोल्ड राइस लेके आती, तो वो 70 धरम, 169 धरम का, और ये 78 धरम का था, 9 धरम थोड़ा एक्स्ट्रा लगा, ये बहुत अच्छी राइस है, तो ये मैं लेकर, ये भी मेड इन इंडिया है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।